हाय, तो इस वीडियो में अपन देखेंगे व्हाई जनरल सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि जो होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही क्यों रिप्रेजेंट करता है, अदर कोनिक सेक्शन क्यों नहीं। ठीक है, तो उसका प्रूफ देखते हैं। तो वी विल कंसिडर अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। मैंने क्या कर दिया, एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन कंसिडर किया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, मतलब डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। मैंने क्या किया, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल ए प्लस ये क्या होगा बी वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से एक एक्स क्या होगा कैंसिल, तो टू एच वाई बाय एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसको मैं रीअरेंज करता हूँ तो क्या होगा, बी वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू एच वाई बाय एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई बाय एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई बाय एक्स। सपोज मैं वाई बाय एक्स को कुछ टी पुट करता हूँ तो क्या होगा, बी टी स्क्वायर प्लस टू एच टी प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई बाय एक्स होगा। ठीक है, तो ये सब लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, अगर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स सपोज अल्फा और बीटा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू ये रहेगा, मतलब इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो मैं ये वाले फॉर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझ में आया, लिख सकता हूँ इक्वल्स टू जीरो, या दोनों क्या है सेम चीज़, इसको जीरो है ये भी जीरो है, तो दोनों के इक्वेट तो कर ही सकते हो। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स एज्यूम कि इसके रूट्स क्या है एम वन एंड एम टू। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह ए है, तो वाई बाई एक्स स्क्वायर की जगह क्या है बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी इंटू, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके फॉर्म में, वाई बाई एक्स के, तो वाई बाई एक्स माइनस एम वन इंटू वाई बाई एक्स माइनस एम टू इक्वल्स टू जीरो। जैसे देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इन एक्स था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इन वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स माइनस रूट अल्फा, यहाँ पे अल्फा है यहाँ पे बीटा है यहाँ पे एम वन और एम टू, तो वाई बाई एक्स माइनस एम टू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक सबको समझ में आया पक्का। अब देखो इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बी इंटू वाई माइनस एम वन एक्स बाय एक्स इंटू वाई माइनस एम टू एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये x को आप उधर भेज दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b इंटू वाई माइनस एम वन एक्स इंटू वाई माइनस एम टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये इक्वल्स टू जीरो या ये इक्वल्स टू जीरो, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगर इसको मैं बाजू में रखता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, y माइनस एम वन एक्स इक्वल्स टू जीरो या y माइनस एम टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो y इक्वल्स टू एम वन एक्स, और क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू एम टू एक्स। आपको पता ही होगा y इक्वल्स टू एम एक्स क्या है, जनरल इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू
ओरिजिन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो y इक्वल्स टू m1 x, y इक्वल्स टू m2 x, ये क्या है? दोनों लाइन क्या है? पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे अपन ने प्रूव कर दिया कि y जनरल सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल्स टू m1x और y इक्वल्स टू m2x, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने इसके पहले वीडियो में भी बोला था कि एंगल फाइंड करने में और होमोजिनाइजेशन में ये यूज़ होगा। और जो होमोजिनाइजेशन है ये वाला कंसेप्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी यूज़ होगा, सर्कल में भी यूज़ होगा, इलिप्स में भी होगा, बाकी कॉनिक सेक्शन में भी यूज़ होगा, और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये अपना प्रूफ था कि जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। थैंक यू।